हाई फैलसीज इन लॉजिक का मतलब होता है कि एरर इन बिल्डिंग आर्ग्यूमेंट इसका मतलब जब हम आर्ग्यूमेंट को बिल्ड कर रहे हैं तो हमने इन करेक्ट रीजनिंग करी है पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था द फैले ऑफ अफर्मिंग द कंसिक्वेंट इस वीडियो में हम लर्न करेंगे कि द फैले ऑफ डिनाइंग द एंटीसीडेंट क्या होता है तो एक एग्ज़ैम्पल लेते हैं इस एग्जाम्पल में ही एक आर्ग्यूमेंट है इसकी दो प्रेमिसज हैं पहली प्रेमिस कह रही है इफ़ यू वॉच द वीडियोज़ ऑफ मैथ्स एट्सेट्रा ऑन डिस्क्रिट मैथमेटिक्स देन यू विल लर्न डिस्क्रिट मैथमेटिक्स अगर आप मैथ्स एट्सट्रा की डिस्क्रिट मैथमेटिक्स पर बने वीडियोज़ देखते हैं तो आप डिस्क्रिट मैथमेटिक्स लर्न कर पाएंगे प्रेमिस टू यू डीड नॉट वॉच द वीडियोज ऑफ मैथ्स एट्ट्रा ऑन डिस्क्रिक्ट मैथेमेटिक्स ये प्रेमिस टू कह रही है कि आपने मैथ्स एट्सेट्रा के डिस्क्रिक्ट मैथेमेटिक्स पे बने वीडियोज़ नहीं देखे कंक्लूजन क्या बोल रहा है देर फोर यू डिड नाट लर्न डिस्क्रिक्ट मैथेमेटिक्स सो आपको आप डिस्क्रिक्ट मैथेमेटिक्स लर्न नहीं कर पाए तो ये आर्ग्यूमेंट कह रहा है कि अगर आप मैथ्स एट्सीट्रा के वीडियोज़ देख पाएंगे तो आप डिस्क्रिक्ट मैथेमेटिक्स लर्न कर पाएंगे और ये बोल रहा है कि अगर आप नहीं देखते हैं ओके okay, तो आप लर्न नहीं कर पाएंगे ये जो नोशन है कि इस देन स्टेटमेंट का जो एंटीसीडेंट है अगर वो नहीं होगा तो कंसिक्वेंट भी नहीं होगा ये एक फॉल्स नोशन है ये एक फैलेसी है और ये एकदम से क्लियर हो जाएगा अगर हम इस आर्ग्यूमेंट को आर्ग्यूमेंट फॉर्म में लिखते हैं सपोज ये जो स्टेटमेंट है यू वॉज द वीडियोज ऑफ मैथ साउंड डिस्क्रिक्ट मैथमेटिक्स सपोज हम इसको डिनोट कर रहे हैं पी प्रपोजिशनल वेरिएबल से और ये जो दूसरा स्टेटमेंट है यू विल लर्न डिस्क्रिक्ट मैथमेटिक्स इसको हम क्यू प्रपोजिशनल वेरिएबल से डिनोट कर रहे हैं सो so, पहला जो स्टेटमेंट है वो बन जाएगा सिंबल के फॉर्म में पी एम्प्लाइज क्यू नाउ प्रेमिस टू ये पहली प्रेमिस प्रेमिस टू यू डिड नॉट वॉच द वीडियोज ऑफ मैथ सो ये वॉच का पी है डिड नॉट वॉच का क्या हो जाएगा निगेशन पी ये प्रेमिस टू है तो कंक्लूजन देअ फोर यू डिड नॉट लर्न डिस्क्रिक्ट मैथमेटिक्स टू लर्न डिस्क्रिक्ट मैथिक डिस्क्रिक्ट मैथमेटिक्स क्यू नॉट लर्न का क्या हो जाएगा निगेशन क्यू नौ ये आर्ग्यूमेंट वैलिड आर्ग्यूमेंट हुआ कब अगर दोनों प्रेमिस ट्रू हैं अगर दोनों प्रेमिस ट्रू हैं तो जो कंक्लूजन निगेशन क्यू है उसको भी क्या होना पड़ेगा ट्रू होना पड़ेगा पर हम देख सकते हैं कि ये फॉल्स नोशन है सपोज निगेशन पी जो है वो ट्रू है प्रेमिस टू ट्रू है इसका मतलब इम्प्लाइज क्यू स्टेटमेंट का जो एंटीसीडेंट है वो क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा और अगर इस केस में जो कंसिक्वेंट क्यू है अगर वो ट्रू है तो फॉल्स ट्रू का तब भी ये प्रेमिस वन क्या हो जाएगी ट्रू हो जाएगी पर अगर क्यों ट्रू है तो निगेशन क्यों क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा सो so, हम यहाँ ये देख रहे हैं कि प्रेमिस वन ट्रू दोनों प्रेमिस टू ट्रू होने के बाद भी जो कंक्लूजन है वो क्या हो सकता है फॉल्स हो सकता है इसका मतलब ये जो आर्ग्यूमेंट है ये जो आर्ग्यूमेंट फॉर्म है ये कैसी आर्ग्यूमेंट फॉर्म है इनवैलिड आर्ग्यूमेंट फॉर्म है और इस चीज़ को हम ट्रूथ टेबल की मदद से भी देख सकते हैं ये ट्रूथ टेबल है हमारे आर्ग्यूमेंट के लिए जहाँ पी इम्प्लाइज क्यू पहली प्रीमिस है निगेशन पी दूसरी प्रीमिस है और निगेशन क्यू क्या है कंक्लूजन है एटॉमिक प्रपोजिशंस पी एंड क्यू के पॉसिबल ट्रूथ वैल्यू कॉम्बिनेशंस फॉल्स पी इम्प्लीकेशन क्यू फॉल्स सिर्फ तब जब पी ट्रू हो क्यू फॉल्स हो तो ये फॉल्स हो जाएगा अदरवाइज ट्रू 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 निगेशन पी पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू निगेशन क्यू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू इस ट्रूथ टेबल में थर्ड रो में हम देख सकते हैं कि यहां दोनों प्रमिसेज ट्रू हैं उसके बाद भी कंक्लूजन क्या है फॉल्स है मतलब ये वन टू कंक्लूजन जो आर्ग्यूमेंट बना रहे हैं वो क्या है फॉल्स आर्ग्यू वो इनवैलिड आर्ग्यूमेंट है सो so कोई भी आर्ग्यूमेंट फॉर्म जब इस फॉर्म में हो पी इंप्लाइज क्यू निगेशन पी कंक्लूजन निगेशन क्यू ओके ये इनवैलिड आर्ग्यूमेंट फॉर्म होती है और ये इनवैलिड आर्ग्यूमेंट फॉर्म इस वजह से इस फैलसी की वजह से है कि हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि अगर हम एंटीसीडेंट पी को डिनाई करें निगेशन पी जो है ट्रू हो है, तो जो निगेशन क्यू है वो भी क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा नाउ निगेशन पी एंटीसिडेंट को हम डिनाइल कर रहे हैं इसी वजह से इस फैलेसी का नाम है फैलेसी ऑफ डिनाइंग द एंटीसीडेंट और कई बार हम इस फैलेसी को इनवर्स एरर भी बोलते हैं इनवर्स एरर और इन्वर्स एरर इसलिए बोलते हैं कि पी इंप्लाइज क्यू का जो इनवर्स स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा निगेशन पी इंप्लाइज निगेशन क्यू और अगर इनवर्स स्टेटमेंट ट्रू है सो निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू हमारे पास ऑलरेडी दूसरी प्रीमिस निगेशन पी है तो बाई रूल ऑफ मॉडस पोनि ये हमारे पास निगेशन क्यू क्या हो जाएगा कंक्लूजन ट्रू हो जाएगा इसका पर ये तभी पॉसिबल है जब पी इम्प्लाइज क्यू और निगेशन पी इंप्लाइज क्यू क्या हो इक्वेलेंट स्टेटमेंटों पर ये दोनों स्टेटमेंट इक्वेलेंट नहीं होते हैं तो क्योंकि ये ये लेके चल रहा है कि P इम्प्लाइज Q अगर ट्रू है तो इसका जो इनवर्स स्टेटमेंट है वो भी क्या होगा ट्रू है जो कि एक एरर है ओके okay? इस वजह से इस फैलेसी को हम इनवर्स एरर भी बोलते हैं और क्वांटिफाइड स्टेटमेंट की फॉर्म में जो ये फैलेसी है इसका स्टेटमेंट बन जाता है एवरी एक्स इफ पी एक्स एम्प्लाइज क्यू एक्स पहली प्रेमिस सपोज निगेशन ऑफ पी ए इज ट्रू फॉर अ पर्टिकुलर देन निगेशन क्यू ए फेलेंग द एंटीसीडेंट या इनवर्स एरर की आर्ग्यूमेंट फॉर्म है जहां पहला स्टेटमेंट यूनिवर्सली क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है सो so, एक और एग्जाम्पल लेते हैं इस एग्जाम्पल की प्रेमिसन कह रही है एवरी वन हुट्स एप्पल एवरी डे इज हेल्थी ये प्रेमिस वन है और एवरी वन आ रहा है इसका मतलब ये यूनिवर्सली क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है रीना डज नॉट ईट एप्पल एवरी डे सो ये प्रेमिस टू होगी और कंक्लूजन कह रहा है रीना इज नॉट हेल्दी नाउ यहाँ पर्सनस की बात हो रही है तो सपोज डी जो है जो डोमेन ऑफ डिस्कोर्स है वो है ऑल पीपल या ऑल पर्सनस सो अगर एक्स वेरिएबल डी को बिलोंग करता है इसका मतलब एक्स किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है सो एवरी वन एवरी वन को हम लिखेंगे मतलब फॉर एवरी पर्सन एक्स तो ये हो जाएगा यूनिवर्सल क्वान्टिफायर एक्स और इस एक्स की प्रॉपर्टी क्या होती क्या है इफ़ एक्स ईट्स एप्पल एवरी डे सो सपोज एक्स ईट्स एप्पल एवरी डे को हम प्रपोजिशनल फंक्शन पी एक्स से डिनोट कर रहे हैं एंड एक्स इज़ हेल्दी इसको हम डिनोट कर रहे हैं प्रपोजिशनल फंक्शन क्यू एक्स से तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉर एवरी एक्स इफ़ पी एक्स देन क्यू एक्स सो हमारे पास पहली प्रपोजिशन तो हमारे पास पहली प्रेमिस बन गई फॉर एवरी एक्स पी एक्स एम्प्लाइज क्यू एक्स जो यूनिवर्सली क्वान्टिफाइड स्टेटमेंट है रीना डज नॉट ईट एप्पल एवरी डे नाओ एक्स इट्स एवरी एप्पल एवरी डे पी एक्स हो गया एक्सर हमने रीना पोट कर दिया तो पी रीना का मतलब हो जाएगा रीना ईट्स एप्पल एवरीडे सो रीना ईट्स एप्पल एवरी डे पी रीना एंड डज नॉट का मतलब निगेशन ये प्रेमिस टू है और अब कंक्लूजन की तरफ आ रहे हैं रीना इज नॉट हेल्दी सो एक्स इज हेल्दी के लिए क्यू एक्स रीना इज हेल्दी के लिए क्यू रीना नॉट हेल्दी के लिए क्या आ जाएगा निगेशन क्यू रीना Now, ये जो आर्ग्यूमेंट फॉर्म है यह है फेले ऑफ डाइंग द एंटीसीडेंट क्योंकि एक फैलेसी है इसका मतलब ये आर्ग्यूमेंट फॉर्म इनवैलिड आर्ग्यूमेंट फॉर्म है इसका मतलब ये जो आर्ग्यूमेंट है यह क्या है इनवैलिड आर्ग्यूमेंट है सो so अगर इस वीडियो का कंटेंट आपको समझ में आया तो यह आपके लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम है जिसमें तीन ए बी सी थ्री प्रॉब्लम दे रखी है आपको देखना है कि ये अब वैलिड आर्ग्यूमेंट है या इसमें कोई फैलेसी है वीडियो को पॉज कीजिए अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए और अपने आंसर्स को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए एंड ऑफ कोर्स मैथ्स एक्सेट्रा को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू